हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। आज बहुत दिन बाद मैंने थोड़ा वक्त निकाला है टू शो सम काइट्स। ये जो पतंग मेरे हाथ पे है, ये पतंग है जीकोदा की पतंग है जो मैं आज दिखाने वाला हूँ। जीकोदा इज़ फ्रॉम हावड़ा, कोलकाता के बहुत ही जाने वाले कारीगर में से जीकोदा भी पढ़ते हैं, जीको काइट मेकर, जो ये पतंग बनाते हैं। ये जीकोदा का कुछ पतंग मैं अपने से दिखा रहा हूँ, जो जीकोदा रिसेंटली मेरे को दे के गया है। बहुत ही बढ़िया कमानी यूज़ करते हैं, शानदार पतंग बनाते हैं, फाइटिंग स्काइट बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा दिखाया जाए जीकोदा की पतंग, जो मेरे पास रिसेंटली अभी जीकोदा मेरे घर आया था तो आके दे के गया है। ये देखिए जीकोदा का स्टैम्प है, जीको काइट मेकर फ्रॉम हावड़ा। ये देखिए पतंग देखिए, बहुत ही बढ़िया पतंग बनाते देखिए, जीको काइट मेकर पतंग। फिनिशिंग देखिए, सफाई देखिए, बहुत ही बढ़िया पतंग बनाते जीकोदा। जीकोदा को तो मेरा कोई वीडियो इससे पहले बनाया नहीं, तो सोचा जीकोदा का कुछ पतंग आज दिखाया जाए। देखिए ये मांगदार पतंग बनाया जीकोदा ने, ये मांग पतंग है, अजंता पेपर में बनाया है ब्लू कलर का। और कमानी जो यूज़ करते बहुत ही जानदार कमानी यूज़ करते, बहुत ही बढ़िया पतंग होता है इनका, बनाया है जीकोदा ने। अभी फ्रेश है, नया ही बना है, तो इसको थोड़ा रख के उड़ाइएगा, यूज़ करने से मज़ा बहुत आता है। परमा देखिए इनका, बहुत ही बढ़िया परमा है, पौना काइट से ये जीकोदा की पतंग, जीको काइट फ्रॉम हावड़ा। ये एक तो उनका डिजाइन है स्टार जो बनाया है जीकोदा ने, डिजाइन भी बनाते हैं, डिजाइन कम बनाते हैं, ऑर्डर्स बहुत लगा रहता है इनके पास, पूरा इंडिया से उनका पतंग का डिमांड रहता है, तो डिज़ाइन कम ही बनाते हैं, बट जो डिज़ाइन बनाते हैं बहुत शानदार डिज़ाइन बनाते हैं। वीडियो के आखिर में दिखाऊंगा, मेरे को कुछ डिज़ाइन बना के दिया है जीकोदा ने, मैं दिखाऊंगा। पतंग देखिए बहुत ही बैलेंस्ड पतंग बनाते हैं, काफ ठंडा में बहुत मेहनत करते हैं और फिनिशिंग के साथ बनाते हैं, और अकेला इंसान है पूरा पतंग खुद ही बनाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि डोरी पत्ती कोई और कर देता है, पूरा पतंग फिनिशिंग भी अपने आप करता है। पतंग देखिए ये भी मांगदार पतंग, काला में सफ़ेद मांग। एक्चुअली मांगदार काइट्स मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने बोला था मांगदार पतंग बनाने के लिए। और इसमें से ज़्यादा पतंग में मेरा फ्रेंड है लखनऊ में, वो भाई भी है फ्रेंड भी है, तो उसके पास ही ये पतंग जाएगा, मैं उसके लिए जीकोदा को बोल के बनवाया है। मेरे पास तो खुद है इनका पतंग, तो ये सब पतंग उसके पास ही जाएगा, जुबेर भाई है उनका नाम, उसके लिए मैंने जीकोदा को बोल के बनवाया है, तो उसको भी मांगदार पतंग बहुत पसंद है, तो मैंने ये सब पतंग जीकोदा को बोल के बनाया है। जीको काइट मेकर स्टैम्प एक बार और दिखा देते हैं उनका, ठीक है। प्लेन पतंग में बासी कुछ अलग रहता है, स्पेशली ये ब्लैक पतंग, काला में काला पत्ता, ये हमको बहुत पसंद है। प्लेन पतंग काला में काला पत्ता, काला में लाल पत्ता, ये सब पतंग मेरे को बहुत पसंद है, बहुत ही बढ़िया पतंग बनाया है। आप लोगों को तो देख के समझ में आता होगा, क्योंकि बहुत फिनिशिंग के साथ बनाता है, काप ठंडा में बहुत मेहनत करता है, कितना बढ़िया से ठंडा को सिकाई किया है। ये बिना गाट का बनाया है, गाटदार वाला भी मैं दिखाऊंगा, ये बिना गाट का बनाया है। ये और एक स्टार, ये पेपर जो है ये पदम जी पेपर है, ये पदम जी पेपर में स्टार जोड़ा है, बहुत ही सुंदर पतंग बना है। ये डिज़ाइन तो मैंने पहले भी दिखाया होगा, तो इसको टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए दूसरा पतंग दिखाते। ये प्लेन पतंग, काफ़ी सारा पतंग देखे गया जीकोदा ने, फिर से मांगदार पतंग, जीको भाई का मांगदार पतंग, काला में सफ़ेद मांग। ये आप लोगों को थोड़ा यूनिक लगेगा, ये चॉकलेट टाइप का कलर है, मांग, ये भी मांगदार पतंग है,
ये सब थोड़ा यूनिक पेपर है, ज़्यादातर दिखने को मिलता नहीं है, यूनिक पेपर है, त्रिवेणी पेपर है, बहुत सुंदर तरीके से बनाया है पता। ये भी सेम मांगदार, अब थोड़ा अलग डिजाइन, तौकिया इसको कहते हैं, मुंडेदार भी कहते हैं, हम लोग बंगाली में मुखपोड़ा भी बोलते हैं इसको। खूब भालो घुड़ी बनाए, जिकोदार जिकोदार घुड़ी जरा उड़िए छे, जो लोग उड़ाया है जिको भाई का पतंग वो लोग जानते हैं कितना बढ़िया पतंग होता है इनका। ये देखिए पतंग, उनका फर्मा देखिए, शेप देखिए, पूरा गोल, और कमानी में बहुत मेहनत करते हैं। और पर्सनली मुझे थोड़ा भारी पतंग पसंद आता है कि थोड़ा उसको टाइटनेस रहे, कि ताकि लोग उसको थोड़ा रख के यूज़ कर सके, तो उस टाइप का ही बनाते हैं, जिस टाइप का मुझे पसंद है उस टाइप का बनाते हैं, ब्लू में सफ़ेद। तो ये भी तौकिया पतंग, बहुत ही सुंदर पतंग बनाया है। और सब लोग तो जानते हैं कोलकाता में जो काप ठंडा मिलते हैं, मिले जाते हैं, जो काठी था जेटा पावा जाए कमानी ठंडा, एगुलो खूब भालो है एखानकार बाहर तुलना थे, तो ये डायरेक्टली आसाम थे आसे, तो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट काप ठंडा। और इसको जो कमानी काप ठंडा यूज़ किया है, ये थोड़ा काफ़ी पुराना है, इसमें से जो छाट छाट के जो स्पेशल जो कमानी निकाला है उसी में से बना है, ठीक है, ये मेरा अलग फरमाइश से बना है उन्होंने। ये भी सेम मांगदार पतंग, ब्लू में लाल पत्ता, आप लोगों को डिजाइनर काइट भी दिखाऊंगा थोड़ा, सबर करिए और वीडियो आखिर तक देखिए, इसमें काफी सुंदर सुंदर डिजाइन दिखने को मिलेगा आप लोगों को। काला में लाल पत्ता, ये भी मेरा वन ऑफ माय फेवरेट है, काला में जो लाल पत्ता हमको भी बहुत पसंद है, मैं भी थोड़ा बहुत बना लेता हूँ वक्त मिलने से, तो मैं भी इस टाइप का जब बनाता हूँ प्लेन में तो लाल पत्ता सफ़ेद पत्ता ये सब हमको, या फिर ब्लैक में ब्लैक पत्ता बहुत पसंद आता है। शेप देखिए पतंग का, बहुत ही बढ़िया जानदार कमानी में बनाया है, जो सेम टाइप है वो मैं बार बार नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो तो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा, पतंग भी बहुत सारा दिया है ना तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये देखिए ग्रीन मांग में लाल पत्ता, और हर पतंग आपको कोई चेक नहीं करना पड़ेगा, हर पतंग जो है एकदम बढ़िया पतंग है। और देखिए ठंडा को ऊपर से कितना बारीक कर दिया है, पूरा बैलेंस कर दिया है, जितना बारीक होना चाहिए, मेहनत करता है भाई, ये सब पतंग बनने में टाइम लगता है, क्वालिटी काइट से ये सब लोग टूर्नामेंट में ही उड़ाते हैं, थोड़ा रख के उड़ाते हैं, देखिए सुंदर कॉम्बिनेशन में बनाया है। अजंता 4.7 है, ये 12 महीने का पेपर है, ये सब पेपर में पतंग गुड्डी बहुत दिन स्टे सर्वाइव करता है क्योंकि ये हीट कैपेसिटी सहने का कैपेसिटी भी ज़्यादा है और लॉन्गजीविटी इसका ज़्यादा है, और सफाई के साथ बनाया है, कमानी में मेहनत किया है, और क्या चाहिए बताइए आप लोग। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा पतंग आपको कैसे लगा है आप लोगों को। देखिए पतंग देखिए, ये मांगदार पतंग है, ज़्यादातर मांग और तौक में, क्योंकि जो लड़ाते हैं वो ज़्यादा डिज़ाइनर काइट्स पसंद नहीं करते, तो वो मांग तौक हैला ये सब भी ज़्यादा अलाउड है और ये सब यूज़ होता है, तो उसमें ही बनाया है, और स्पेशल फरमाइश से जो मैंने बोला है उस टाइप का ही बनाया है। ये भी सेम टाइप, अब जो आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं वो गांठदार में बनाया है, देखिए डिजाइन, इसको क्या कहते हैं, मछियल टॉक तो हम बोलते हैं, मछली टॉक कोई बोलते हैं, और इधर साइड में परी भबरी अलग अलग नाम से लोग बोलते हैं, ये डाला हुआ है। और ये देखिए गांठ, ये देखिए गांठ एकदम आप देख सकते हैं गांठदार में बनाया है,
গাঁট কাটিতে বানিয়েছে এই ঘুড়িটা, খুব সুন্দর, এত সুন্দর করেছে ঘুড়িটা, দেখিয়ে পুরা একদম চকা ভি পুরা সেট বেঠা হ্যায়, কাঁপ ঠাড্ডা মে মেহনত সুন্দর হ্যায়। আর ইসমে কোড়ি ওয়ার্ক দেখিয়ে, আপ লোগো কো পাতা নেই দিখ পা রহি ইয়া নেই, কোড়ি ওয়ার্ক জো ভুটাই ওয়ার্ক কেতে হ্যায়, ঠিক হ্যায়, সব বননে মে টাইম লাগতা হ্যায়। দেখিয়ে কিতনা সুন্দর পতঙ্গ বনা হ্যায়, সফাই কে সাথ জুড়া হ্যায়, আর পতঙ্গ কা জিতনা ভি তারিফ কিয়া যায় ও কম হ্যায়, ইয়ে সব কম হি বনাতে হ্যায়, টাইম লাগতা হ্যায়, বহুত বড়িয়া পতঙ্গ বনা হ্যায় জি গোদা নে। তো জিকোদা আগার ভিডিও দেখ রে তো ওয়ান্স এগেন স্পেশাল থ্যাংকস ফ্রম বটম অফ মাই হার্ট জিকোদা ফর মেকিং সাচ বিউটিফুল কাইটস। দেখি উস টাইপ কাই বানা হ্যায়, ও সফেদ মে থা, ইয়ে লাল মে হ্যায়, আগ ভি দো ডালা হুয়া হ্যায় ইধার, ইয়ে মেরা স্ট্যাম্প হ্যায়, ইয়ে জিকো ভাই কা স্ট্যাম্প হ্যায়, ঠিক হ্যায়, জিকোদা কা পতঙ্গ হ্যায়, সব পৌনা পতঙ্গ, ইয়ে জুবের ভাই কে লিয়ে যায়গা ভাই, ও মেরা বহুত দোস্ত হ্যায়, মে কোই ডিলার নেই হুঁ, কোই নেই হুঁ, মে আপনে খুদ কালেকশন ভি করতা হুঁ, वक्त मिलने से मैं भी थोड़ा बहुत बना लेता हूँ। जीको भाई से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, तो मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था, तो जीको भाई बना के मेरे लिए देके गया है, खुद आके देके गया है, सबसे बड़ी बात है। मैं यहाँ रहता हूँ, थोड़ा कोलकाता से आउटर है, तो भाई मेरे को बहुत प्यार करता है, हम लोग साथ में मछली वछली भी पकड़ते, उनको फिशिंग करने का भी बहुत शौक है। देखिए डिज़ाइन देखिए, थोड़ा जल्दी में दिखा रहा हूँ, पतंग ढेर सारा है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, जस्ट सीधा कोड़ी वाल ब्यूटीफुली डन, सब गाटदार में, जो पतंग आप लोग दिख रहे हैं सब गाटदार में बनाया है, ठीक है, सब मूली बाँस है, क्वालिटी बाँस है, कुछ ढोलू में है, कुछ मूली में भी है, और आप देख रहे हैं काफ ठड्डा सब तो देख पा रहे हैं, कोड़ी वाल देख रहे हो, और इसका पतंग का अलग से मैं क्या बोलूँ, जिस जो लोग उसको यूज़ किया है, जो लोग जानते हैं जिकोदा का पतंग कैसे होता है, वो मांगता रहता है। जिको भाई का खासियत ही ऐसा है कि उनका पतंग जो एक बार यूज़ करे वो बार बार यूज़ करने का ही इच्छा होगा। फरमाइश तो सबका है, सबका लिए तो बना नहीं पाता है, क्योंकि काफ़ी सारा ऑर्डर्स रहता है और अकेला इंसान है। देखिए अच्छा काम करने में ना टाइम लगेगा, हर बारी से ये सब पतंग नहीं बनेगा, सब टाइम दे के बनता है ये सब, बहुत ही सुंदर पतंग बना है। जो पेपर है पदमजी पेपर है, टॉप क्वालिटी पेपर है, ये पेपर मैंने भी खुद अपने लिए लाया था, बहुत ही बढ़िया, अलग अलग टाइप का कोड़ी वर्क किया हुआ है, देखिए हर पतंग में अलग अलग टाइप का, इनको भी डिज़ाइन पतंग बनाने का शौक है, मगर वक्त का कमी से कमी बनाते हैं, बट दिस इज़ रियली क्वालिटी गाइस। आई होप जुबेर भाई को भी बहुत पसंद आएगा जब उनके हाथ में ये सब पतंग आएगा। ओह दिस लुक्स रियली ब्यूटीफुल, ये पतंग बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देखिए ये भी काट में बनाया है, देखो भाई का हाथ का पतंग। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को बोलना पड़ता है भाई सब्सक्राइब कर लो, मैं यूट्यूब में टाइम बहुत कम ही दे पाता हूँ, बट स्टिल लोगों का ज़्यादा जुड़ने से अच्छा लगता है कि लोग देखते हैं, तो अलग अलग वीडियो कंटेंट लाने में भी अच्छा लगता है। तो मेरे पास तो वैसे कलेक्शन में काफ़ी सारा पतंग है, आहिस्ता आहिस्ता मैं दिखाऊंगा, अभी रिसेंटली मेरे पास 300-400 के लगभग मुरली और मुख्तार जी की पतंग आया है, जफर भाई का भी आया है कुछ रिसेंटली, जो मेरे पास था और रिसेंटली भी आया है, तो उसका भी अलग से नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊँगा। आप देखिए पतंग देखिए जीको भाई का, हमने सोचा कि एक बार जीको भाई का, क्योंकि YouTube में ज़्यादा जीको भाई का वीडियोस वगैरह देखने को भी नहीं मिलता है, क्योंकि पहचान ही काफ़ी है, ज़रूरत भी नहीं है, लोग सब जानते हैं उनको, इतना लगभग 2002-2000 से बना रहे हैं वो पतंग, तो काफ़ी ये कुछ पुराना पतंग है जीको भाई का, जो काफ़ी टाइम पहले मेरे पास था तो मैंने निकाल के रखा था। ये देखिए डिज़ाइन देखिए, आग डाला हुआ है जीको भाई, बहुत ही शानदार पता है, अमेजिंग गाइस। ये मांगदर एक पीस रह गया इसके अंदर, ये सब दांतर में बना है जीको भाई का दांतर, ये भी दुबेर भाई के लिए ही बनाया है, मैंने बोला था कि कुछ मांगदार में मांग के अंदर स्टार हो पाए तो बना दीजिएगा, तो उन्होंने मेरा बात रखा है,
मैंने जो जो चीज़ बोला है जीको भाई ने मेरा बात रखा है और उस टाइप का ही बना के दिया है और हर पतंग में मेहनत करके दिया है। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। आई होप माई ब्रदर जुबेर भाई को भी पसंद आ जाए। उन्होंने तो पहले भी यूज़ किया है जीको भाई का। उन्होंने मेरे को बोला था कि गुसेन भाई थोड़ा करवा दो जीको भाई से, तो मैंने बोल के थोड़ा टाइम लगा बट अल्टीमेटली सबर का फल मीठा ही होता है। ये देखिए मांगदार पतंग, गागदार, गागदार में मांगदार, बहुत ही बढ़िया पतंग। ये भी जीको भाई का पतंग, इसमें शायद ये थोड़ा चौड़ा मांग डाला हुआ है, चौड़ा मांग है इसमें। और इसमें एक तो और डिज़ाइन है, देखिए येलो में दिख पा रहा है, येलो में। सब लॉन्ग रेंज का पता है, जो लोग थोड़ा लॉन्ग रेंज पसंद करते हैं उन लोगों को तो बहुत पसंद आएगा। इसका इट्स फॉर लॉन्ग रेंज, ये आराम से काफ़ी बहुत लॉन्ग रेंज का है। ये देखिए पतंग सिर्फ आपको था, जीको भाई का पतंग है। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं कुछ दो पतंग दिखा रहा हूँ जो जीको दा ने कुछ दिन पहले बनाया था, मगर पतंग थोड़ा टेपिंग किया हुआ है। ये बल्लारपुर पेपर में जीको दा बना के दिया है मेरे लिए, जस्ट सी द वर्क। आज के डेट में तो ये पेपर मिलता नहीं है, ये बल्लारपुर पेपर में बनाया हुआ है। तो ये उनके पास पुराना स्टॉक था तो पत्ता में बल्लारपुर में भी डाला हुआ है, तो उसमें से वो बना के दिया है हमको। डिज़ाइनर का इसका बहुत शौक है, ये कुछ पतंग मैं अपने पास रखूँगा, तो ये उन्होंने बना के हमको दिया है। ये भी उनका एक तो डिज़ाइनर काइट्स, देखिए कितना प्यारा पतंग बना है, बहुत सुंदर जोड़ा है। मैंने उनको मेरा नाम का भी एक तो बनाने के लिए बोला है, अब देखते कब वो बना के देगा। ब्यूटीफुली डन, अमेजिंग वर्क। बहुत ही टाइम लगता है ये सब पतंग जोड़ने में, क्योंकि मैं खुद भी बनाता हूँ तो मेरे को मालूम है कि ये सब कटिंग करने में बहुत वक्त निकल जाता है। लोग तो बोल देते हैं कि भाई चाहिए, ये सब मेहनत से किया जाता है भाई, सब बहुत काफ़ी टाइम लगता है ये सब तैयार होने में। सो आज के लिए यही था। आई होप एवरीवन एंज�ॉयड द वीडियो। अगर कोई गलती हुआ कुछ कैसा लगा पतंग ये डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग कानपुर मेकर्स का लाने वाला हूँ, लेजेंडरी मेकर्स का काइट। तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा, कीप सपोर्टिंग मी, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप लोगों के पास पहुँच जाए। थैंक यू, टेक केयर एवरीवन, टाटा।